फिलहाल रुख करेंगे हिमाचल राउंडअप का। राजधानी शिमला में सावन की शिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि मिडल बाजार के शिवालय में लोग सुबह से ही भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मनाली आ रही बस में 15 मील के पास अचानक से आग लग गई। इस आग से किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन बस जलकर राख हो गई। नूपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें कि कॉलेज में कुछ जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एबीवीपी और एसएफआई दोनों ही पार्टियां शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में तैनात साल 2008 से शिक्षकों को आज तक प्रमोशन नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे शिक्षकों में विभाग को लेकर काफी गुस्सा है और हमीरपुर में शिक्षकों ने उपायुक्त को पत्र सौंपा और उसे सीएम तक पहुंचाने की गुहार लगाई। वहीं ज्वाली में ग्राम पंचायत चौकीदार संघ और नगरोटा ब्लॉक के पदाधिकारियों ने बैठक की। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कमल कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सरकार पंचायत चौकीदारों पर ध्यान नहीं देती। कुल्लू के राजकीय महाविद्यालय ढालपुर में मैथ टीचर के तबादले से विद्यार्थी परेशान है। छात्रों की मांग है कि संस्था में प्राध्यापकों की तैनाती की जाए ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी संकट में ना पड़े। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने धर्मशाला में आयोजित प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा मोबाइल ऐप से की जाएगी। कुल्लू में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हड्डी जोड़ सप्ताह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस 5 अगस्त को कुल्लू अस्पताल में विशेष रूप से मरीजों की जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य हड्डी से संबंधित किसी भी बीमारी की जांच मुफ्त में करना होगा। मंडी के पर्यटन स्थल कूलाधार में दिल्ली से आए दो युवकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी। आपको बता दें कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। घटना की पुष्टि कर एसपी मंडी ने चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। सिरमौर में राजगढ़ की एबीवीपी इकाई ने भी प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्री गिरधर गंगेश्वर पंच महादेव त्रिवेणी धाम मंदिर परिसर के पास किया गया, जिसमें करीब 107 कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के बीच वृक्षारोपण किया। सोलन में टिक्कम सिंह पवर और रिटायर्ड डीजीपी बीएस नेगी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुर्तगाल में होने जा रहे सीनियर लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भारत का प्रबंधन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत से 12 खिलाड़ी भाग लेंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर कांगड़ा के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की। बिलासपुर पुलिस ने श्री नैना देवी में श्यामल अष्टमी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिए हैं। सुंदरनगर में स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों व्यवसायिक परिसर अवैध पार्किंग का अड्डा बना हुआ है, जिससे दुकानदारों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मंडी में बतौर डीएसपी वसुधा सूद ने कार्यभार संभाला है और इस दौरान इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक गुरुदेव सिंह भी नए डीएसपी को बधाई देने के लिए पहुंचे। बिलासपुर में सर्वदलीय भाकड़ा समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक ली और सरकार पर आरोप लगाया। पिछले कई सालों में अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार समिति की ओर ध्यान नहीं दे रही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।